इस वक्त की सबसे बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से निकल करके आ रही है। राजधानी दिल्ली में एक बड़ा फैसला लिया गया है। दरअसल कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए तमाम तरीके के प्राइवेट दफ्तरों को लेकर यह फैसला लिया गया है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक तिवारी, आप देख रहे हैं बोले भारत। भारत में कोरोना धीरे धीरे अपना पांव काफी तेजी के साथ पसारने लगा है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कल डीडीएमए की बैठक बुलाई गई। दिल्ली में डीडीएमए की बैठक के बाद अरविंद केजरीवाल ने एक फरमान जारी कर दिया है जो तमाम प्राइवेट दफ्तरों पर लागू होंगे। प्राइवेट दफ्तरों के साथ साथ रेस्टोरेंट, रेस्तरां, बार जैसे जगहों पर भी यह फरमान तत्काल प्रभाव से लागू किए जाएंगे। दरअसल डीडीएमए की बैठक में अरविंद केजरीवाल ने यह फैसला लिया है कि आने वाले दिनों में तत्काल प्रभाव के साथ पूर्ण रूप से तालाबंदी कर दी जाए। कौन कौन सी ऐसी वो जगह है जिसको लेकर के खासतौर पर अरविंद केजरीवाल ने यह फैसला लिया है, उसमें सबसे पहले मुख्य जो है वो प्राइवेट दफ्तर, प्राइवेट कंपनियां बताई गई हैं, प्राइवेट ऑफिस बताए गए हैं। कंपनियों को लेकर के जो बड़े उद्योग हैं उनको लेकर के अभी प्रिकॉशंस के तौर पर वो अपनी कंपनियां चला सकते हैं, लेकिन जितने भी प्राइवेट दफ्तर हैं उन्हें बंद करने की इजाजत दे दी गई है। इसके साथ साथ रेस्टोरेंट, बार जैसी सुविधाएं जो हैं उस पर पूर्ण रूप से तालाबंदी करने की अनुमति मिली है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के अभी बीते 24 घंटे में 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। वहीं एक पुलिसकर्मी की कोरोना की वजह से मौत भी हो गई है। हरिद्वार में जिला प्रशासन के द्वारा यह निर्देश जारी किया गया है कि हरिद्वार में मकर संक्रांति के मौके पर कोई भी गंगा स्नान नहीं करेगा। इसको लेकर के हरिद्वार के डीएम की तरफ से सख्त निर्देश दिया गया है। वहीं नाइट कर्फ्यू भी वहां लगातार जारी है। मकर संक्रांति के दिन भी नाइट कर्फ्यू ही जारी रहेगा। आपको बता दें कि कई ऐसे बड़ी हस्तियों के साथ साथ राजनीतिक गलियों के धुरंधर भी अब कोरोना संक्रमित होने लगे हैं। खबर यह आ रही है कि राजनाथ सिंह भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, लेकिन उन्होंने कोरोना से जंग जीतकर एक बार फिर से जनता की सेवा में अपना अब योगदान देने के लिए वो तैयार हैं। यानी कोरोना को मात देकर अरविंद केजरीवाल अब स्वस्थ हो चुके हैं और आज अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है। आपको बताते चले कि इससे पहले बिहार के कई ऐसे नेता मंत्री हैं जो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। अभी कल देर शाम खबर यह आई थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अब कोरोना संक्रमित हो गए हैं। आपको बता दें कि पंजाब में राज्य चुनाव आयुक्त जो हैं वो भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जबकि पंजाब समेत अन्य 5 राज्यों में चुनाव के लिए विगुल फोक दिए गए हैं। कोरोना काल में चुनाव करवाना सबसे ज्यादा चुनौती का विषय बना हुआ है, लेकिन फिलहाल देश की राजधानी दिल्ली में अब लॉकडाउन की तैयारी कह सकते हैं। एक प्रकार से कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए तमाम चीजों पर सख्तियां धीरे धीरे करके सरकारें बढ़ाती जा रही हैं। इस संदर्भ में देखना है कि अगली कड़ी में आखिरकार अरविंद केजरीवाल क्या फैसले लेते हैं। फिलहाल आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।